एक साल मिला था सीएम साहब को तैयारी करने के लिए, एक साल में कुछ भी नहीं किया। फिर से आप हम एक ही चीज़ रिपीट करते जाएंगे कि एक साल में अगर कोई 600 करोड़ अपने ऊपर लगा सकता है, तो इससे ये पता चलता है कि कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है। और आप सेंटर को देखो, सेंटर ने सप्लाई ऑक्सीजन की इंक्रीज़ करी है दिल्ली में, इससे पता चलता है कि सेंटर हर तरीके से दिल्ली की जनता को सपोर्ट करना चाहती है, वक्त वक्त पे मदद भी करना चाहती है। पिछले साल भी गृह मंत्री जी ने जब इंटरवीन किया था, तब DRDO का जो कोविड सेंटर खुला था सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी गृह मंत्री जी की इंटरवेंशन के बाद ही खुला था। तो मुख्यमंत्री जी को भी कुछ करना चाहिए, सिर्फ आके बड़े बड़े वायदे कि हमारे इतने बेड्स अवेलेबल हैं, 5000 बेड्स अवेलेबल हैं, 150 ICU बेड्स अवेलेबल हैं, आप तो खुद ग्राउंड पे हैं, आपको पता है कि क्या हालत है दिल्ली की, कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कहाँ पर बेड्स अवेलेबल हैं, कहाँ है ICU बेड्स, कहाँ है ऑक्सीजन बेड्स, कहीं पे भी कुछ अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी की, तो उन्होंने कहा था कि हो रही है, हमारे पास एक लिमिटेड जो स्टॉक्स होते हैं, उसके बाद केंद्र को इसकी मदद करनी चाहिए। हालांकि बाद में केंद्र ने जो है वो कोटा बढ़ाया भी है, और केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार की इस पर थैंक्स भी कहा है। देखिए, केंद्र सरकार तो हर तरीके से मदद करना कर ही रहे दिल्ली की जनता की, कुछ मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी भी करेगी। जैसे मैंने बोला, पिछले साल भी केंद्र सरकार ने ही मदद करी थी, गृह मंत्री जी ने पर्सनली इंटरवीन करके मदद करी थी जब सबसे बड़ा कोविड सेंटर खुला था। इस बार भी केंद्र सरकार मदद कर रही है, आपने अपनी तरफ से क्या किया, इसका तो जवाब देंगे ना। सारे सवाल हमसे ही पूछे जाते हैं, या तो सांसदों से पूछे जाते हैं या केंद्र सरकार से पूछे जाते हैं। सारा ब्लेम हम पे डाला जाता है, केंद्र सरकार पे डाला जाता है, ये आज की बात नहीं है, ये तो पैंडेमिक है, ठीक है, इसमें एक दूसरे पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। लेकिन हर चीज़ जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, और आपकी क्या जिम्मेदारी है, सिर्फ आइए विज्ञापनों पर अपनी शक्ल दिखाइए, एडवर्टाइजमेंट पर अपनी शक्ल दिखाइए और वापस चले जाइए। आपने किस तरीके की तैयारी करी है, आपने छोड़ी एक साल, आपने 6 साल में दिल्ली के लिए क्या किया, इसका जवाब देंगे आप दिल्ली की जनता को या नहीं देंगे? और दिल्ली की जनता को सवाल देना आपका बनता भी है? आप दिल्ली बीजेपी से इस्तीफा दे देना चाहिए जो परिस्थितियां बन रही है। लेकिन एक प्रश्न ये है कि जो परिस्थितियां हैं, महामारी की परिस्थिति, क्या ऐसे समय में पॉलिटिक्स होनी चाहिए या आपस में सामंजस्य बनाकर समस्या को हल करने की बहुत आवश्यकता है? देखिए, मेरा कहना ये था कि इस्तीफा इसलिए देना चाहिए, देखिए नाकामी तो उनकी रही है और नाकाम वो रहे पिछले 6 साल में, कि एक ऐसा मुख्यमंत्री बताइए पूरे देश में पिछले 1 साल में, एक ऐसा मुख्यमंत्री, मैं सिर्फ दिल्ली की नहीं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, जिसने 600 करोड़ रुपए अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किए। अगर एक ऐसा मुख्यमंत्री होगा ना, तो मैं रिजाइन कर दूंगा केजरीवाल जी के अलावा। इस पैंडेमिक में, इस कोविड में, यहाँ पर आपको एक एक रुपया जनता की सेवा के लिए जाना चाहिए, आपने 600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए अपने ऊपर, ये किसकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है या केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है? इतना सेल्फ ऑब्सेशन, और इतना सेल्फ ऑब्सेशन किस चीज़ से, अपनी शक्ल देखने से? ये 600 करोड़ रुपए में अगर आपने कोविड सेंटर खोला होता, या फिर आपने ICU बेड्स बनाए होते, या आपने वेंटिलेटर्स लिए होते, उससे भला होता दिल्ली की जनता का, या जो आपके जो एड आते हैं उससे भला होता? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? इसके चलते आप दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगिए कि दिल्ली की जनता का पैसा है, आपका पैसा है, मेरा पैसा है, हम सबका पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, जो आपने अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किए। नाकाम तो आप रहे हैं, वो पूरी दिल्ली की जनता जान चुकी है 6 साल से, लेकिन इसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है जो आपने पैसा अपने ऊपर खर्च किए? आपने जिस तरीके की बात की है, जो आज की डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जानकारी दीजिएगा कि जो लोग मदद लेना चाहते हैं वो कैसे आ सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ 100 स्ट्रिप्स अपनी जेब से हाथ जोड़ के किसी से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ली जाए, जिससे गरीब आदमी की मदद हो जाए फ्री में, इसको होर्डिंग कहते हैं। और वो लोग इसको होर्डिंग कह रहे हैं जिन्होंने रेमडेसिविर को 30-30, 40-40 हज़ार रुपये में बिकने दिया, या फिर एक बेड को 5-10 लाख रुपये में बिकने दिया, वो इसको होर्डिंग कहते हैं। अमीर आदमी तो जाके फैबीफ्लू या कोई भी और मेडिसिन अपने कॉन्टैक्ट से महंगी भी खरीद सकते हैं, उस गरीब आदमी का क्या, जिसके पास कॉन्टैक्ट नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है? अगर आप अपनी जेब से कुछ किसी गरीब आदमी की जिंदगी बचा सकते हैं, इसको लोग पॉलिटिक्स करना चाहते हैं इस पे और इसको होर्डिंग कहना चाहते हैं, तो मुझे गर्व है कि मैं किसी की जिंदगी बचा सकता हूँ इस महामारी में, और मेरा फर्ज है कि लोगों की जिंदगी बचाना, और मैं आगे बचाता भी रहूँगा, चाहे दुनिया जो मर्जी बोले, जितना मर्जी जो कहना चाहती है कहे। कुछ 100, 200, 300 स्ट्रिप्स अगर आप किसी से लेते हैं, इसको होर्डिंग कहते हैं, इसकी वजह से फैबीफ्लू की कमी है। मेरे 300 या 400 स्ट्रिप लेने से, और एक गरीब आदमी को मुफ्त में देने से, किसी की जिंदगी बचाने से, इसको आप ये कहते हैं कि मैं गलत काम कर रहा हूँ? अगर ये गलत काम है तो फिर गर्व है मुझे कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, क्योंकि किसी की जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है इनकी पॉलिटिक्स से। तो इसलिए आप जागृति जाके देख सकते हैं वहां पर हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें,
लोग अपना आधार कार्ड लेके आए, अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेके आए, प्रिस्क्रिप्शन के चलते जितनी उनको टैबलेट्स की ज़रूरत है उसके चलते हम उनको टैबलेट्स प्रोवाइड करते हैं और मुफ्त में टैबलेट प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा वो है, जितने दिन हम चला पाएंगे उतने दिन हम चलाएंगे, चाहे आज हो जाए कल हो जाए, जितनी हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी, 3 दिन चल जाए।